तो हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहिन, आप देख रहे हैं सोनी मित्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो मैं आज का जो ऑडियो मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आज आपको इस ट्यूटोरियल में मैं दिखाने वाला हूँ कैसे आप ऑडियो को सिंक्रोनाइज कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो जैसे देख सकते हैं ये ऑडियो मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे मैं एक अलग से एक और भी वीडियो बनाने वाला हूँ कैसे आप क्रिस्टल क्लियर ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो अपने फ़ोन के द्वारा। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ सिंक्रोनाइज से वीडियो बना रहा हूँ। तो काइंड मास्टर, मैं कैसे ऑडियो को सिंक्रोनाइज कर सकते हो, मैं इस टॉपिक के सिर्फ इस वीडियो में बना रहा हूँ। अगला वीडियो आपको मिल जाएगा वो कैसे आप क्रिस्टल क्लियर ऑडियो अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे देख सकते हैं मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई भी माइक मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो आपको सीधा अपने मोबाइल स्क्रीन पर चले जाना होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप सभी जानते हैं ऑडियो वेव्स के द्वारा ऑडियो रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो ऑडियो पे एक ग्रैप क्रिएट होता है जिस ग्रैप को हम मैच करने वाले, सिंक्रोनाइज करने वाले। ठीक है, तो फिर हम ऑडियो को मिक्स करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, हर ऑडियो को रिकॉर्ड करने से पहले ठीक है, हर ऑडियो को रिकॉर्ड करने से पहले आप अपने कैमरा और जब फ़ोन का रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, आप एक बार क्लैप ज़रूर कीजिए। क्लैप करने से क्या होगा, एक बड़ा ग्रैप बन जाएगा जिस ग्रैप से हम ऑडियो का आसानी से सिंक्रोनाइज कर सकते। तो मैं चला जाता अपने मोबाइल स्क्रीन पे और आपको सिंक्रोनाइज करके दिखाने वाला हूँ कैसे ये ऑडियो सिंक्रोनाइज होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को इधर से शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको जो ऑडियो को सिंक्रोनाइज करके दिखाने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको वीडियो एडिटर काइंड मास्टर ओपन कर लेना होगा। ठीक है, तो मैं काइंड मास्टर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं आपको काइंड मास्टर का ट्यूटोरियल ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो ओपन हो गया, आप देख सकते हैं मेरे सारे एडिटेड वीडियोज़ इधर शो कर रहे हैं। तो इधर मैं जो वीडियो का रेशियो मैं चूज़ कर लेता हूँ, यूट्यूब का वीडियो है 16:9। ठीक है, तो मैं ये वाला रेशियो मैं चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो वीडियो का एम्प्टी प्रोजेक्ट आपके स्क्रीन के सामने ओपन हो चुका है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इधर मैं जो वीडियो को मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ मैं उसको ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो मैंने DSLR से रिकॉर्ड किया है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं होल्ड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, हो गया। अब जो ऑडियो मैं लेना चाहता हूँ उस ऑडियो को मैं इधर से ऐड करना चाहता हूँ, उसके लिए आपको ऑडियो सेक्शन का ये वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और फोल्डर्स के ऑप्शन में मैं चले जाता हूँ। तो मेरे अलग से फोल्डर में रखा हुआ है, ढूंढने से नहीं मिल सकता। तो ये देख सकते हैं मैं यूट्यूब एक नाम का एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया है, उसके अंदर ये फोल्ड फाइल है, देख सकते हैं ये ऑडियो है। तो मैं इसको इधर से ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ऐड हो गया। अब क्या होगा, हमको ऑडियो को सिंक्रोनाइज करने के लिए हमको इस वीडियो क्लिप के ऊपर क्लिक करना होगा। आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इसका ऑडियो भी इधर एक्सट्रैक्ट हो चुका है, हो गया। तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा कि हमको दोनों ऑडियो का ग्रैप हमको देखने को मिल जाएगा। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं दोनों ऑडियो का ग्रैप थोड़ा सा, ठीक है, देख सकते हैं इधर ग्रैप ओपन हो चुका है। इधर मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने जैसे बोला था मैंने क्लैप किया है। ठीक है, तो क्लैप करने के बाद ये इधर देख सकते हैं एक ग्रैप ओपन हो चुका है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इधर ये वाला ग्रैप, इधर जो ग्रैप है इधर ये वाला ग्रैप हो चुका है। और ये मेरा इंटरनल वीडियो है और जो एक्सटर्नल माइक से जो ग्रैप है वो आप देख सकते हैं इधर, इधर भी एक ऊँचा ग्रैप ओपन हो गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और बाकी जो ऑडियो जो है आप इधर से देख सकते हैं। ठीक है, इधर से ग्रैप आपको दिख रहा होगा, ये इंटरनल ऑडियो का ग्रैफ है। और ठीक है, तो मैं एक कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ तो आप कुछ आसानी होगी। ठीक है, तो मैं दोनों का अलग अलग ऑप्शन में कर दिया हूँ तो आसानी होगी। ये इंटरनल ऑडियो और ग्रीन वाला मेरा जो अलग जो फ़ोन से रिकॉर्ड हुआ हो वो है ऑडियो। ठीक है, तब देख सकते हैं दोनों ग्रैप इधर शो कर रहे। तो हमको क्या करना होगा, ग्रैप को सिंक्रोनाइज करना होगा। देख सकते हैं इधर भी ग्रैप है। ठीक है, तो ग्रैप को सिर्फ सिंक्रोनाइज करना होगा। ग्रैप को मैं अच्छे से सिंक्रोनाइज कर लेता हूँ, कलर को ग्रीन ही रहने देता हूँ तो ग्रैप अच्छे से दिखेगा आपको। जूम कीजिए और ग्रैप को सिंक्रोनाइज कीजिए, देख सकते हैं। ठीक है, पूरा ग्रैप आपको देखने को मिलेगा, एक ही जैसा हो गया। ठीक है, तो आपके माइक, आपका जो फ़ोन का जो माइक है जिससे आप रिकॉर्ड कर रहे हो सेकेंडरी फ़ोन, उसका ऑडियो का ग्रैप थोड़ा ऊंचा होगा और आपका जो कैमरा का जो ग्रैप है वो थोड़ा नीचे होगा क्योंकि वो बहुत दूर है। ठीक है, पर ग्रैप सेम ही होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा। देख सकते हैं पूरा ग्रैप सेम टू सेम है। तो अब हमको क्या करना होगा, जो हमारा कैमरा का जो वीडियो का जो ग्रैप है उसको हम इधर से सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे। उससे पहले हम इधर से जहाँ से क्लैपिंग किया है उधर, ठीक है, जहाँ से वीडियो स्टार्ट होता है
ठीक है, तो पहले इधर देख लेते हैं, वीडियो इधर से स्टार्ट होता है। ठीक है, इधर से स्टार्ट हो रहा वीडियो। ठीक है, तो इधर हम एक कट स्प्लिट कर देते हैं इधर। ठीक है, एक कट पे जाके आप इधर स्प्लिट कर दीजिए, हो गया। नीचे भी सेम प्रोसेस, कट के ऊपर जाके स्प्लिट, कट के ऊपर जाके स्प्लिट हो जाने के बाद इधर से सारे जो क्लिप्स है उसको हम डिलीट कीजिए। डिलीट कर दिया, ये देख सकते हैं एकदम ही स्टार्टिंग से ये शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इधर सब कंप्लीट हो जाने के बाद लास्ट पे भी मैंने क्लैपिंग किया था वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद। ठीक है, उधर क्लैपिंग नहीं किया था लगता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हैं ग्रैप सेम टू सेम आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम हमको नहीं होगा। ठीक है, वैसे आप सिर्फ ग्रैप को मैच कर दीजिए और ऑडियो सिंक्रोनाइज हो जाएगा, और आप एक दो बार प्ले करके भी देख लीजिए लिप सिंक ठीक ठाक हो रहा है। अगर ग्रैप मैच कर गया तो लिप सिंक भी ठीक ठाक ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मैं इधर और भी वीडियोज़ को मैं जोड़ना चाहता हूँ, तो उसके लिए अलग से वीडियो ट्यूटोरियल मुझे इसी वीडियो में आपको देख पाएंगे। मैं जो वीडियो आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, मैं उसी वीडियो का रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो बाकी का क्लिप मैं इस वीडियो में जोड़ने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, गुड बाय।